बरेली मीरगंज चाय की दुकान चाय की चुस्की के साथ समर्थकों का जीत हार गुणा भाग का खेल जारी। फतेहगंज पश्चिमी नगर पंचायत चुनाव सरगर्मी में पकड़ा जोर। बरेली फतेहगंज पश्चिमी निकाय चुनाव 2023 में हो रहे नगर पंचायत चुनाव में सपा और भाजपा के प्रत्याशी टिकट पाने के लिए लगा रहे एड़ी चोटी का जोर। आपको बताते चलें कि नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाले नगर पंचायत चुनाव में चेयरमैन प्रत्याशी व सभासद प्रत्याशी अपने अपने टिकट होने का इंतजार कर रहे हैं। नई आरक्षण सूची में भले ही पुरुष प्रत्याशियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया हो, लेकिन तब भी सभी दलों के प्रत्याशी की दावेदारी बनी रहेगी। वह अपनी दावेदारी के दम पर अपनी पत्नी को मैदान में उतारेंगे। बीजेपी की बात करें तो कस्बे के भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय चौहान, पूर्व चेयरमैन कृष्णपाल मौर्य, रामलीला मेला कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता उर्फ अन्नू लाला, व्यापार मंडल अध्यक्ष नेता आशीष अग्रवाल, चक्रवीर सिंह चौहान, बंटी मौर्य, पुष्पा पांडे आदि दावेदार लाइन में लगे हैं। इसी तरह नगर पंचायत चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशी भी लाइन में लगे हैं। आर चेतना न्यूज से तहसील प्रभारी अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब फतेहगंज नगर पंचायत में? अभी तक आम आदमी पार्टी का टिकट हो चुका है। सपा और भाजपा का टिकट में काफ़ी लोग लगे हुए हैं जो अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो अभी उनका टिकट होना है चुका है। सपा भाजपा का भी यही हाल है क्या? सपा भाजपा में काफ़ी लोग हलचल मची हुई है, काफ़ी लोग दावेदारी अपनी जमा रहे हैं, लोग लखनऊ बरेली की दौड़ लगा रहे हैं। अब देखो किसका होता है समय के अनुसार। तो आपके कस्बे में किस बात की कोई चर्चा उसे चल रही है? आप लोग बैठ के यहाँ पर चाय पर चर्चा कर रहे हैं कि अभी हमारे चुनाव के विषय में चर्चा चल रही थी कि कौन सा प्रत्याशी दमदार है, कौन सा नहीं है, किसका टिकट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, भाजपा की किसे अपना चेहरा बनाएगी, ये सब चर्चाएं हमारे यहाँ चल रही थी। आप